तो बहराइच से एक अच्छी खबर आई है। बहराइच में वन विभाग को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिल गई। जिस आदमखोर की तलाश में तमाम टीमें लगी थी, पांचवें भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में कैद यह आदमखोर ना जाने कितने पर हमला कर चुका है। हम आपको बता दें कि कड़ी मेहनत का नतीजा ये रहा कि आखिरकार ये आदमखोर शिकंजे में फंस ही गया। हालांकि अभी एक और आदमखोर की तलाश उस वक्त चल रही है, उसको भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसे पकड़ लिया जाए तो उस पूरे इलाके से आदमखोर भेड़िए के आतंक का अंत हो जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ी कामयाबी है वन विभाग के लिए, ग्रामीणों के लिए। कल जिस तरह से घेर कर इस भेड़िए को पकड़ा गया, अब ये शिकंजे में है, कईयों को अपना निवाला बना चुका है, 10 लोगों की जान ले चुका है, 45 से ज्यादा लोग इसके हमले में घायल हुए, लेकिन अब ये वन विभाग के शिकंजे में फंस चुका है। निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, और राहत की सांस हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में भेड़िए की दहशत बनी हुई थी। कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया छत पर जा रहा है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने यहां हमला किया है, कभी खबर आ रही थी कि भेड़िया ने जो है पशुओं पर हमला कर दिया है। तो तमाम तरीके की खबरों के बीच में आखिरकार आज सुबह जब भेड़िए को पकड़ा गया तो इन 1 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, और ये सभी ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी बहुत जल्द छठवें भेड़ियों को, जिसे लंगड़ा सरदार कहा जा रहा है, वो पकड़ा गया है। कह सकते हैं कि आज तगड़ा सरदार पकड़ा गया है और बहुत जल्द लंगड़ा सरदार भी पकड़ जाएगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 बहराइच। अब एक बार फिर से देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से इसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है, और सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं। 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ये लोग कई महीनों से कर रहे थे। और इससे पहले 4 भेड़िया और पकड़े जा चुके थे, लेकिन ये 5वां भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा था, अलग अलग गांव में घूम करके अटैक कर रहा था, कभी बकरी और कभी पशुओं पर भी ये भेड़िया अटैक करता था, ये 5वां भेड़िया ट्रैप कर लिया गया है। और इस भेड़िया को आप देख सकते हैं कि अब ये भेड़िया कितना शांत दिख रहा है, बिल्कुल शांत पिंजरे में बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस भेड़िया को पकड़ा है। न्यूज 18 की टीम लगातार इस कछार के क्षेत्र में घूम ही रही है। कछार के क्षेत्र में हम लोग लगातार हरिबख्श का पुरवा और सिसैया चूड़ामली सहित तमाम गांवों में घूम रहे थे, और लगातार यहां ड्रोन उड़ा करके भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वन विभाग की अधिकारी रेणु सिंह का कहना है कि ड्रोन की वजह से भेड़िया इतना समझदार प्राणी है कि वो समझ जाता था कि लगता है कि उसके इलाके के जो और भेड़िए गायब हुए हैं वो इसी मशीन की वजह से, इसी आवाज की वजह से गायब हुए हैं, इसीलिए वो थर्मल ड्रोन जैसे ही उड़ता था वो अपना ठिकाना बदल लेता था। लेकिन इस बार वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन का सहारा नहीं लिया बल्कि पग चिन्हों का सहारा लिया, भेड़िए की पग चिन्हों का सहारा लिया गया, और जो देसी तरीका है, देसी तरीके से वजह से ही ये भेड़िया पकड़ा गया है। देखिए 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं, एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कहाँ? इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको इस निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा? ये लंगड़ा नहीं है, ये सही सलामत है। वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी, और डीएफओ साहब को भी हम सुन रहे थे कि जिस दिन भेड़िए का खराब दिन आएगा, हमारा अच्छा दिन आएगा, और उस दिन छठा भेड़िया भी पकड़ा जाएगा। तो बड़ी कामयाबी 5वीं भेड़िए के पकड़ने के साथ ही। उमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, एक एक गांव में उमेश गए हैं, और उमेश आपने देखा कि किस तरह से लोगों के जो चेहरे थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन आज जब चौथे के बाद 5वां भेड़िया पकड़ा गया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक कामयाबी वन विभाग के चेहरे पर भी थी, लेकिन सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि छठा भेड़िया पकड़ा नहीं जाएगा। जी देखिए, न्यूज 18 की टीम को भी बहुत सुकून है कि आखिरकार
तगड़ा सरदार, जिसे भेड़ियों का तगड़ा सरदार कहा जा रहा था, वो पकड़ा गया है। ग्रामीणों को चेहरे पर यकीनन मुस्कान आ गई है, सभी खुश हैं। और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अब वन विभाग का एक काफिला जा रहा है कार्यालय की तरफ। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से ये सारी गाड़ियां इस वक्त भेड़िए को लेकर के रवाना हो रही हैं, स्पॉट से यहां से रवाना हो रही हैं। रेरू सिंह यहां पर पहुंची हुई थी, डीएफओ यहां पर पहुंचे हुए थे, वो सभी यहां पर रवाना हो रहे हैं। अभी भी यहां पर कुछ अधिकारी मौजूद हैं। और ग्रामीणों से हम बात कर लेते हैं सीधा। आप ये बताइए, आज कितनी खुशी का दिन है, कितनी खुशी का क्षण है? आप लोग भी रुक जाइए, लाठी डंडा लेकर के देखिए लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, भेड़िया पकड़ा गया है? आप देखिए कोई रुक नहीं रहा है, इतनी खुश है कि कोई रुकना भी नहीं चाहता है, सब जो है निकले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितना कि आज भेड़िया पकड़ लिया गया? हाँ, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। भेड़ियों का आतंक जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग भेड़िये के आतंक से रात में सही ढंग से सो नहीं पाते थे। आज पांचवा भेड़िया जो है पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िया बाकी हैं। तो भेड़ियों का जो लंगड़ा सरदार है जो अभी भी फरार है, ऐसा डीएफओ कह रहे हैं, उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। आप लोगों के चेहरे की मुस्कान, थोड़ा सा चेहरे में टेंशन कम हुई है, राहत मिली है। और आप लोगों ने बड़ी मदद की है वन विभाग की, लगातार आप लोग सूचनाएं दे रहे थे, और आज भी जब भेड़िया पकड़ा गया तो यकीनन आप लोगों की सबसे बड़ी मदद वन विभाग को थी। जी जी जी, हम लोग जब भी कभी कोई सूचना मिलती थी, हम लोग वन विभाग को सूचना देते थे, तुरंत वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो हम लोगों की सेवा में तुरंत तत्पर हो जाते थे। कल बारिश हुई, न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा था कि बारिश की वजह से माम में पानी गया होगा, और माम में पानी जाने की वजह से ये बाहर आया होगा। तो बाहर तभी आया जब माम में पानी गया, तो बारिश एक बड़ा रोल प्ले की इस भेड़िया को पकड़ने में। बारिश आने से बहुत अच्छा हुआ, भेड़िया पकड़ा गया, हम लोगों को बहुत सारी खुशियां मिल रही है, और आगे भी इसका आशा करेंगे कि बहुत सारे भेड़िया जो भी है भेड़िया वो पकड़े जाएंगे। जो भी भेड़िया है पकड़े जाएंगे। आप क्या कहेंगे, कितना खुश हैं ग्रामीण? आप तो मुस्कुरा दो। जी सर, तो खुश है, पूरा चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान है। कितना खुश है, अब बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है ना। एक पकड़ा गया और एक जो फरार है वो भी पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हंस दीजिए, कायदे से मुस्कुरा दीजिए। आप देखिए इन ग्रामीणों के चेहरे की मुस्कान, आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण मुस्कुरा रहे हैं। डीएफओ साहब अभी भी मौजूद हैं, हम डीएफओ साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं और बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान है, बहुत खुश है। हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, और सबके चेहरे पर आप लोग भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश है, मैं कहा भी मुझे बहुत सुकून है। एक ही बचा है। हाँ, और ये हम सबका अभियान था, आप लोगों का भी इसमें एक, आप लोग जिस तरीके से बार बार पूछते रहते थे कि डीएफओ साहब अगला कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, तो हमें भी लगता था कि हमको जल्दी पकड़ना चाहिए। ये केवल हमारे सर न्यूज 18 के कैमरे में कल भेड़िया इसी इलाके में कैद हुआ था, सिसैया चूड़ामणि, और हम लोगों ने वन विभाग को सूचित किया था। तो आप क्या कहेंगे, न्यूज 18 का एक बहुत बड़ा रोल है इस भेड़िया को पकड़ने में? हमने कल उसको तो हमने नहीं देखा, आपने क्या दिखाया था जी, लेकिन एक्चुअली इतना मैं व्यस्त रहता हूँ ऑपरेशन में। हम खुद हमें लगता है कि महीनों दो महीने हो गए हमने समाचार तक नहीं सुने हैं ढंग से। तो हम एक्चुअली कल जो है पगमार्ग हम ढूंढ रहे थे। अच्छा। क्योंकि दिक्कत क्या रही थी कि जो हाँ दिक्कत क्या रही थी कि ड्रोन कैमरे से अगर कोई चीज चमकता हुआ लोकेट होता था तो झाड़ी के नीचे छुपे होने के कारण क्या छुपा है ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोग अंत में ये सोचे कि चलो ढूंढते हैं कहीं पगमार्ग ही मिल जाए। और पगमार्ग ढूंढते ढूंढते लगभग 3-4 घंटे हम लोग मेहनत किए और मिल गया पगमार्ग। पगमार्ग आपको कहाँ मिला, कछार में मिला? पगमार्ग जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं इसी के जिधर हमारा मुंह है उसी साइड में। अच्छा। लगभग आप कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर दूर यहाँ से। अच्छा सर, ये बताएं कि बारिश भी जोरदार हुई, तो कभी कभी बारिश में अगर मांद में इनकी पानी गया होगा तो उसकी वजह से भी भेड़िया बाहर आया होगा, ये भी कह सकते हैं? पता नहीं, इस बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ। कि, तो, लेकिन ये है कि पगमार्ग हमको मिला। हाँ, पगमार्ग का काफी बड़ा रोल रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे, अब नेक्स्ट टारगेट आपका जो अगला जो भेड़िया एक और है अभी जिसका पकड़ा जाना शेष है, उसके लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, प्लानिंग हम अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। और ये माना जाए कि बहुत जल्द चंद घंटों के अंदर या फिर एक दो दिन के अंदर उसको भी पकड़ लिया जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीएफओ साहब जो लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहे और कॉन्टिन्यूस यहां पर ऑपरेशन चलाते रहे। और न्यूज 18 की टीम ने भी लगातार दिखाया था कि किस तरह से भेड़िया कैमरे में कैद हुआ, न्यूज 18 के कैमरे में भी भेड़िया कैद हुआ था और न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िया की कैद किए जाने की तस्वीर देखकर वन विभाग को बहुत आसानी हो गई और वन विभाग ने उस इलाके को ट्रैप किया और उस इलाके में पग चिन्हों को तलाशने की कोशिश की। जिस इलाके में सिसैया चूड़ामणि जिस गांव का नाम है, सिसैया चूड़ामणि का ही वीडियो न्यूज 18 ने प्रसारित किया था और न्यूज 18 ने बताया था कि किस तरह से सिसैया चूड़ामणि के इलाके में न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िया कैद हुआ था। सिसैया चूड़ामणि के इसी क्षेत्र को, कछार क्षेत्र को या हरबक्श का पूर्वा गांव के क्षेत्र को वन विभाग की टीम ने पूरा घेरा डाल दिया। यहां पर पांव पांव गांव गांव घूमकर, गन्ने के खेतों में घूमकर, कछार के क्षेत्रों में घूमकर वन विभाग की टीम ने आखिरकार पग चिन्हों को ट्रेस किया, भेड़िया के पग चिन्हों को ट्रेस किया और अंततः वो भेड़िया तक पहुंच गए। जिस इलाके में लगातार दिन रात एक करके भेड़ियों को तलाश कर रही थी, ग्रामीण भी उनका सहयोग कर रहे थे और आपने भी वहां से जबरदस्त रिपोर्टिंग की हमारे दर्शकों के लिए, गांव के लोगों की बातें सुनाई, भेड़िया भी हमारे कैमरे में कैद हुआ और पल पल की जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।